सो हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज दुनियाज एमबीए यूट्यूब चैनल। टुडे जैसा कि आप देख चुके हैं टाइटल में, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो अगर आपकी 80-90% आई है कैट में। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपकी अच्छी कैट परसेंटाइल आती है तो आप टीयर वन कॉलेजेस टारगेट करते हैं। बट राइट नाउ फॉर 80-90% वी कैन टारगेट गुड कॉलेजेस विद डिसेंट आरओआई। सो आज हम देखते हैं कौन से कॉलेजेस हैं वो। इनिशियली टू स्टार्ट, सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि क्या कॉलेजेस की रैंकिंग मैटर करती है। बिकॉज टॉप मोस्ट कॉलेजेस की रैंकिंग आपने देखा होगा IIM, AIIM, BEC से चालू होती है एंड बहुत तरह की रैंकिंग्स होती है। बट क्या रैंकिंग हमें अपना एक फैक्टर बनाना चाहिए जब हम कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं? तो द आंसर इज येस, बट इट शुडंट बी द ओनली फैक्टर। रैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको देता है, एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देता है जहां पे आप दो कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। सो रैंकिंग किसकी आपको माननी चाहिए? सो बेसिकली दो रैंकिंग्स हैं इंडिया में, NIRF एंड IIRF आर रिलीज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड दीज आर वेरी रिलायबल। बट सिर्फ इन रैंकिंग को देख के हमें कॉलेज चूज नहीं करना चाहिए। बहुत से फैक्टर्स उसमें और आते हैं कि क्या आपके पर्सनल एस्पिरेशंस हैं, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द सेकंड वन इज आपको कौन कौन से एमबीए प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और कौन सा एमबीए फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं, देयर आर वेरियस डिग्रीज, सम इज PGDM, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, सम आर MBA, सम आर प्रोवाइडिंग PGDBA, दैट इज PG डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। सो क्या आपके पर्सनल एस्पिरेशंस को सूट कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऑल्सो देर आर टू फैक्टर्स, वन इज वन ईयर MBA जो कि कुछ कॉलेजेस लाइक ISB हैदराबाद एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं, एंड कुछ कॉलेजेस हैं जो टू ईयर MBA जो हमारा स्टैंडर्ड MBA है वो प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो बेस्ड ऑन योर वर्क एक्स यू कैन गो फॉर एग्जीक्यूटिव MBA एज वेल एज नॉर्मल MBA। सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर बिफोर ज्वाइनिंग अ कॉलेज। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज चूजिंग द राइट MBA प्रोग्राम एज वेल। MBA प्रोग्राम आप किस लिए कर रहे हैं? बेसिकली यू वॉन्ट टू गो टू मार्केटिंग, आप मे बी माइका को प्रेफर कर रहे हो, माइका का आप मेन नेम रख रहे हो। यू वॉन्ट टू गो इन टू फाइनेंस, मे बी आप सम अदर कॉलेज, आई एम कैलकटा इज कंसिडर्ड द बेस्ट कॉलेज फॉर फाइनेंस। सो आपके कॉलेज के एस्पिरेशंस के हिसाब से अगर आप रिसर्च जाना चाहते हैं तो IIMs आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिसर्च। यू वॉन्ट प्रेफर FMS फॉर रिसर्च। सो दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज दैट यू नीड टू टेक केयर। चलिए शुरू करते हैं All the colleges list, जो best colleges हैं आप 80-90% में जो आपको target करने चाहिए। Another important part, हम लोग कुछ criterias हैं जिनके basis पे इन colleges को compare करेंगे। First thing is median CTC. So median CTC एक important factor रहता है and it is considered much better than average CTC because एवरेज CTC का डेटा काफी स्क्यू हो जाता है बहुत हाई प्लेसमेंट्स की वजह से, एंड हाई प्लेसमेंट्स आर नॉट ऑलवेज फिक्स CTC, सो दे हैव वेरियस कंपोनेंट्स, दैट्स व्हाई उनका प्लेसमेंट डेटा बहुत स्क्यू हो जाता है। दैट्स व्हाई मीडियन CTC प्रोवाइड्स अ वेरी गुड डेटा। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू कंपेयर इज नंबर ऑफ सीट्स एंड द फीस। सो फीस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कितने पैसे लगा के आपको एक पैकेज पे, आपको एक पूरा MBA एज अ पैकेज मिलेगा। एंड इनटेक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कितना बड़ा बैच साइज होगा उस पर आपके प्लेसमेंट्स बहुत डिपेंड करेंगे। अगर एक कॉलेज को कम स्टूडेंट्स का बैच प्लेस करवाना होगा सो दैट विल रिक्वायर लेस एफर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट कॉलेज दैट वी हैव ऑन आवर लिस्ट इज IRMA, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद। ये कॉलेज जैसा कि नाम देख पा रहे हैं रूरल मैनेजमेंट, सो एक बहुत डिफरेंट टाइप का MBA प्रोवाइड करता है आपको, डिफरेंट टाइप की टीचिंग्स प्रोवाइड करता है। ये कॉलेज का मीडियम CTC है 15 लाख, दैट्स अ गुड मीडियम CTC। फीस है 16.5, तो मीडियम CTC से थोड़ी सी ज्यादा ही फीस है। दैट टेक्स अवर ROI टू 9.928, दैट इज 0.928 साल में आप जितना पैसा लगा रहे हो वो आप रिकवर कर लोगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इनटेक इसका काफी कम है 120, सो बैच साइज आपका छोटा रहने वाला है। द नेक्स्ट कॉलेज ऑन आवर लिस्ट इज गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिम जिसे कि हम बोलते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन गोवा में ये है। मीडियम सिटी इज अ बिट लेस 11 लाख एंड फीस इज क्वाइट हाई रिलेटेड टू IRMA, बट यहां पे इंपॉर्टेंट बात है इनटेक 300 है, बड़ा बैच साइज है, इसकी वजह से मीडियम CTC कम आ जाएगा। बट क्योंकि बड़ा बैच साइज है तो आपको एडमिशन मिलना उतना ही आसान है।
कम बैच साइज में आपको एडमिशन मिलना मुश्किल रहेगा। अब आपकी इसमें आरओआई बनती है थोड़ी सी कम, दैट इज 0.600, बट अगेन अनदर फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट ऑफरिंग एमबीए प्रोग्राम। सो द नेक्स्ट कॉलेज इज टापमी, जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। सो टापमी अगेन प्रेजेंट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर दोस हु मिस्ड आउट ऑन कैट परसेंटाइल दिस ईयर। So 80-90 percentile में ये 12.5 लाख का मीडियम CTC प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ गुड मीडियम CTC। फीस यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो इट विल टेक 20 लाख फॉर द होल प्रोग्राम, एंड इनटेक इज क्वाइट हाई, 550 का इनटेक है, तो बैच साइज बड़ा होने वाला है, प्लेसमेंट थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट आपको अंदर जाने के लिए टापमी में उतना ही आसान होगा अगर बैच साइज बड़ा होता है। ROI कम्स आउट जस्ट बेटर देन गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिनसे थोड़ा सा बेटर, 0.625 पे ROI है। The next college we have is Four School of Management, Delhi. Another wonderful college, जहां पे आपको median CTC 14 लाख मिलता है, फीस यहां पे 20 प्लस ही पड़ जाएगी। अगर आप हॉस्टल और एकोमोडेशन और ट्यूशन फीस कंप्लीट पैकेज देखें तो 20 प्लस लाख आपकी फीस पड़ जाएगी। इनटेक इज 400, डिसेंट इनटेक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, अच्छा इनटेक है, और ROI यहां पे 0.7, जो कि ऊपर वाले टापमी और जिम दोनों से अच्छी आती है, बट अभी तक बेस्ट ROI हम देख चुके हैं एरमा की है। The next college we have is KJ Somaiya. KJ Somaiya is also a very good college. अगर आप MBA के लिए जाना चाहते हैं, अच्छा टारगेट है आपका। It has a median CTC of 12.47 lakhs and fees आपकी कुछ लगभग आपके 4 school जितनी ही रहेगी। इनटेक यहाँ पे बढ़ जाता है, 614 आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैच साइज बहुत बड़ा होने वाला है, तो प्लेसमेंट्स में थोड़ी सी एफर्ट होगा, कॉलेज को उतना ही प्लेसमेंट में एफर्ट करना पड़ेगा। आपका ROI यहाँ पे 0.625, जो कि यहाँ पे एवरेज चल रहा है हमारा, 0.625 के अराउंड ही आ रहा है। द नेक्स्ट कॉलेज दैट वी हैव इज IMI दिल्ली। IMI दिल्ली इज इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली। यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिसीज के बारे में ज्यादा फोकस रहता है यहाँ के MBA का, इसी वजह से यहाँ पे मीडियम CTC आप देखेंगे बाकी सबसे हाई रहेगा, बट मीडियम CTC जब हाई है तो यहाँ पे फीस भी देखो उतनी हाई जा रही है, 25 लाख। सो 25 लाख फीस देके आपको मीडियम CTC 6.35 मिल रहा है। इनटेक यहाँ पे एवरेज है, दैट इज गुड फॉर अस, 308 ना कम है ना ज्यादा, एंड ROI आपका क्योंकि फीस बढ़ गई है, ROI वापस से उसी लेवल पे आ जाता है, 0.65। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दैट वी हैव इज लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, LBSIM। दिस इज ऑल्सो अगेन इन द्वारका, दिल्ली। यहाँ की मीडियम CTC अच्छी है, 12.05 लाख फॉर दिस कॉलेज इज क्वाइट गुड, आपको इजीली 80-90 परसेंटाइल में इजी एडमिशन मिल जाएगा। फीस आपकी 14 लाख है, इनटेक थोड़ा सा हायर साइड में है, 480, थोड़ा सा मतलब एवरेज अगर 300-350 का देखें तो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बट ROI यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट मिल रही है आपको, 14 लाख लगा के आपको 12 लाख का मीडियम CTC, दैट्स क्वाइट गुड, 0.86 ROI है। The next college that we have is IMT Nagpur, IMT Ghaziabad, जो कि टॉप नॉच colleges में आता है, उसी का एक अनदर कॉलेज है IMT Nagpur में। सो IMT Nagpur का median CTC क्वाइट लो है, 8 लाख के बाकी colleges के हिसाब से 8 लाख थोड़ा सा कम median CTC आता है, बट IMT का नेम टैग है तो दैट्स अनदर गुड थिंग। फीस आपकी 14.5 लाख है, इनटेक 360 एवरेज है, ROI इसका बहुत कम है बाकी colleges के मुकाबले, बिकॉज we have 0.55 because the median CTC is quite low. The next college that we have is IMT Hyderabad. जैसे IMT Nagpur से compare करा, IMT Ghaziabad का another college है IMT Hyderabad. IMT Hyderabad में हमारा median CTC Nagpur से better जा रहा है, 11 लाख हमारा median CTC है. Fees भी IMT Nagpur से थोड़ी सी कम है, that is 12.03 lakh. Exact data intake का ये release नहीं करा था, but approximately 300 plus यहाँ पे intake रहता है. एंड बिकॉज आपका फीस कम है और मीडियम CTC आई है, दे हैव एन एक्सीलेंट ROI ऑफ 0.914। द नेक्स्ट कॉलेज दैट वी हैव इज MDI मुर्शिदाबाद। सो MDI का मेन कॉलेज आपको पता है MDI गुड़गांव इज द Tier 1 कॉलेज, उसी का नेक्स्ट कॉलेज है MDI मुर्शिदाबाद। यहाँ पे मीडियम CTC हमने देखने को मिलेगा 11.4 लाख, दैट इज अ गुड इनफ। आई मीन अगर 11-12 लाख का मीडियम CTC मिल रहा है आपको इन 80-90 परसेंटाइल, दैट्स अ गुड थिंग। फीस आपको देखने को मिलेगी 14.5 लाख, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, बट उसकी वजह से यहाँ पे ROI हमारा बन जाता है 0.786, बट हमारा यहाँ पे इनटेक जो है थोड़ा सा कम है, 180 इज बिलो एवरेज इनटेक, तो प्लेसमेंट्स में आपको फायदा मिलने वाला है। द नेक्स्ट कॉलेज इज वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वेलिंगकर की भी इनटेक अगेन कम है, 180, बट यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स में देखो
तो मीडियन सीटीसी अच्छा मिलेगा, दैट इज 11.59 लाख। फीस यहां पे थोड़ी सी कम है 13, दैट मेक्स एन एक्सीलेंट आरओआई ऑफ 0.891। द लास्ट कॉलेज दैट वी हैव इज एनआईबीएम पुणे। So this is an excellent college for finance and banking institutions because this was actually established by RBI. So RBI ने establish किया था, इसका intake बहुत कम है। यहाँ पे basically वही लोग जाना पसंद करेंगे या फिर जाना चाहेंगे जो finance specific अपना domain रखना चाहते हैं। Again the median CTC is quite high, 15, and fees is 16 lakh. That's a decent fees for such a high median CTC. So इसका अगर ROI देखेंगे, हमने जितने भी colleges discuss करे हैं उनमें one of the best है, 0.9375 is the ROI. But again intake कम है तो problem होगा यहाँ पे admission मिलना, तो आपको 80 to 90% में higher percentile यहाँ पे आपको चाहिएगी इस college में admission. So ऐसा नहीं है आप 80 to 90% में सिर्फ इन्हीं कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल होंगे, बट दीज आर सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो बेस्ट आरओआई और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट फैसिलिटीज आपको एमबीए के लिए दे रहे हैं। सो गाइस, इफ यू लव द वीडियो, लव द कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द कॉलेज दुनिया एमबीए चैनल। ऑल्सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट द कॉलेज दुनिया वेबसाइट, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।